हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज मैं इंटर बोर्ड परीक्षा बायोलॉजी का चैप्टर 4 का कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत पर। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे आज का क्लास जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करूँ, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आज का अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? शिकार, परजीविता एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। निम्नांकित में से कौन जन्मदर्द नियंत्रण की शल्य विधि है? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे कॉपर टी रोकता है? निषेचन को रोकता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है, या वीर्य पतन को रोकता है, या रोपण को रोकता है? सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडोत्सर्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंधकरण प्रक्रिया को कहते हैं? नलिका उच्छेदन, शुक्रवाहक उच्छेदन, प्रत्यारोपण रोधक। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नलिका उच्छेदन। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? निम्नांकित में कौन यौन संचरित रोग है? मलेरिया, एड्स, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आज का क्लास हम लोग फास्ट फास्ट करेंगे, तो सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट कीजिएगा जितना जल्द हो सके। टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यौन संचारित रोग है खसरा, टीबी, कोनेरिया, टाइफाइड। तो सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा? सही बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गोनेरिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है?
23%, 20%, 1%, 4%। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 4% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भपात, गर्भवती की का समुचित देखभाल करना, इनमें से सभी। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है? आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, इनमें से सभी। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है? प्रयुक्त हो जाएगा यहाँ पे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली प्रयुक्त है? मालडी, मालयन, सहेली, इनमें से सभी। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। निषेचन रोकने के शल्य विधि को कहते हैं? वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमटीपी, इनमें से सभी। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग हैं? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सिफिलिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1851 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1951 में। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे 14 का, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या विस्फोट, उपरोक्त सभी। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जनसंख्या अवनमन। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे 15 का, सहेली जो कि मादा गर्भनिरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है, क्या चीज़ में प्रयोग किया जाता है? रोजाना प्रयोग किया जाता है, या साप्ताहिक में, या तिमाही में, या मासिक में। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, साप्ताहिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, आरयू 486 दवा प्रयोग की जाती है गर्भनिरोधन में, एमनियोसेंटेसिस में, गर्भपात कारक के रूप में, म्यूटाजन के रूप में। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गर्भपात के कारक के रूप में। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ कृषि, औद्योगिकरण, अल्पायु विवाह, सभ्यता में परिवर्तन। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अल्पायु विवाह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग, मादा में मुखीय गर्भनिरोधक किसे रोकती है? मादा में मुखीय गर्भनिरोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग सर्व को रोकती है, या निषेचन को, या रोपण को, या योनि में शुक्राणु का प्रवेश को रोकती है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है गर्भपात, मुखीय गोलियां, वीर्य सेवन, वंध्यकरण। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बांध्यकरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे,
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? मालाडी, संयुक्त गोली, सहेली, निरोध। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा? सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सहेली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गोली गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? तो सहेली गोली तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? वाह स्खलन, अवधि संयम, वासेक्टोमी, स्तनपान, अनावर अनातर्व। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा सभी लोग? सभी बच्चे फर्स्ट फर्स्ट कमेंट करेंगे जी। हमारे साथ अभी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज का क्लास सभी लोग शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोग को भी तैयारी अच्छी प्रकार से हो पाए। और हमारे चैनल में जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वासेक्टोमी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है कैलोग्राफी, मानव जीव विज्ञान, मानोग्राफी, बायोग्राफी, डेमोग्राफी। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा? सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, डेमोग्राफी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय हैं, क्या उपाय हैं? तो हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, नियंत्रक विधियां, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। फरक नली शिशु के संबंध में सत्य है, क्या सत्य है देखते हैं हम लोग। मादा के जननांग में निषेचन द्वारा तथा फरक नली में वृद्धि, जन्म पूर्व शिशु को इनक्यूबेटर में रखना, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन, निषेचन तथा परिवर्धन गर्भाशय के बाहर। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। परख नली शिशु वह तकनीक है जिसमें अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे दूसरा है अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास होता है।
या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। क्या चीज़ में? तो फरकनली शिशु का तकनीक में। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सी हार्मोन रिलीजिंग IUCD है? लिप्स लोब, मल्टीलोड, 375 या कोड LNG20। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, LNG20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भाधारण को रोका जा सकता है यदि इसे .. घंटे के अंदर लिया जाए। कितने घंटे के अंदर लिया जाए? 50 घंटे के अंदर लिया जाए, 60 घंटे, 30 घंटे या 72 घंटे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताएंगे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 72 घंटे के अंदर मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भधारण को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। कैंडियोसिस का कारण है पब्लिक लाइसिक, यूनिस्ट, पिनवर्म, गेंट, अमोइबा। ट्वेंटी एट का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, योनि ईस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, नर में एंड्रियोपिस किससे समतुल्य है, किसके समतुल्य है? एंड्रोगेन विंडिंग प्रोटीन का या फीमेल मेनोफिल्स का या प्रोस्टाग्लैंडिन का या एंड्रोजन का। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है एलिसा या PCR या VDRL या DNA हाइब्रिडाइजेशन। DNA हाइब्रिडाइजेशन। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, VDRL हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। 31, जन्मदर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जा सकती है? कंडोम, लूप, जेली क्रीम, डाइफॉर्म। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा।
31 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जेली क्रीम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक है गर्भधारण रोकने के लिए तथा आईसीयू आईयूसीडी के लिए? कॉपर टी, या समिश्रित गोली, या फोम, या एवोरेटेंट गोली? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉपर टी। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? डायफ्राम, कंडोम, लूप, कॉपर टी? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, डायफ्राम। तो अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। गर्भ निरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है? अंडोत्सर्ग को रोकना, निषेचन को रोकना, युग्मज के इम्प्लोइटेशन को रोकना, क्लेवेज को रोकना? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अंडोत्सर्जन को रोकना। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? फिलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर, या FSH एवं LH को रोककर, या FSH एवं LH पर पर्वन को बढ़ाकर, या रिलीज्ड ओवम को तुरंत बर्बाद कर? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, FSH एवं LH को रोककर। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। 36, पोलीमरेसिस पोलीमरेसिस चेन रिलेशन रिएशन PCR किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? जेंटल हर्पिस, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, मिलेसिस, मिसेल्स? तो सभी लोग बताएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जेंटल हर्पिस हो जाएगा, या मलेरिया हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, या मिसेल्स हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। थर्टी सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ए, जेंटल हर्पिस। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। थर्टी सेवन, गोनोरो हेयर क्या है?
बैक्टीरियल रोग है, यौन रोग है, एसटीडी है, इनमें से सभी है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के लिए नियंत्रण के लिए कौन सा है? कंडोम, वेजिनल पाउच, डायफ्राम, इनमें से सभी। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फर्स्ट फर्स्ट कमेंट करेंगे और 31 का राइट आंसर बताएंगे। थर्टी एट का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? योनि, ग्रीवा, फिलोपियन ट्यूब या ए तथा बी दोनों। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। थर्टी नाइन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन। गोनेरे हो एवं अस्पाइलेस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? अफ्रीकन देशों में, यूरोपियन देशों में, पूरे विश्व में, एशियन देशों में। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पूरे विश्व में पाया जाता है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन क्लियर करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? टाइफाइड, टिटनस, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस बी। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताएंगे। फोर्टी वन का राइट आंसर हो जाएगा डी, हेपेटाइटिस बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। जेंटल वाच एक विषाणु जनित रोग है जो किससे होता है? क्लोमाइडिया,
ट्रेको मेटिस द्वारा ट्राइको मोनास वैजिनेलिस द्वारा या ट्रेपिनेमा पैलिडम द्वारा या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को क्लियर करते हैं। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1951 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। फोर्टी थ्री का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी या प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी या जनसंख्या साधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा या जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। सभी बच्चे 44 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। फोर्टी फोर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी जनसंख्या अधिक होने पर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। परिवार नियोजन के लिए शुक्र वाहिनी को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, ओवरेक्टोमाई, सोग्रह वासुक्टोमी या कैस्ट्रोस्टोमी। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 45 का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर देंगे। फोर्टी फाइव का राइट आंसर हो जाएगा सी, वासिक टॉमी। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। ऑस्ट्रेलियन इंडिजेन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेंटल वार्ट्स, कैनक्रेड। तो सभी लोग बताएगा क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फोर्टी सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा बी, हेपेटाइटिस बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 47 क्लियर करेंगे हम लोग। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग है आइक्लोवेर, डिनाइसिस एलो, जाइडोविडिन, टेराइक्लो, टेराइक्लेन। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। लिंग जांच के कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? क्लोटिंग टेस्ट, अमनियोसेंटेसिस, रिथ्रोब्लास्टोसिस, एंजियोग्राम। तो सभी लोग 48 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। 48 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा सभी लोग। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और 48 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अमनियोसेंटेसिस। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। जन्मदर नियंत्रण की विधि कौन सी है? जन्मदर रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? GIFT या IVF या PT या IUCDS या ICSI। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी, IUCDS। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। 50 कॉपर टी रोकता है निषेचन को, ओव्यूलेशन को, यूटेरस की दीवारों पर इम्ब्रियो के बनने को या रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट फास्ट कमेंट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए, निषेचन को हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। सभी बच्चे 51 का राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। सभी लोग फास्ट फास्ट कमेंट करो जी और 51 का राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। डी, इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी होती है, या जमीन में कमी होती है, या खनिज की कमी होती है, या इनमें से सभी? बहुत हल्का क्वेश्चन है तो सभी लोग बताएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आय की कमी भी होगी, जमीन की कमी भी होगी, खनिज पदार्थ की कमी भी होगी। किस लिए कमी होगी? तो जनसंख्या अधिक होने से क्या कमी होती है, यानी कि क्या होता है? तो आय की कमी पहला नंबर होगा, जमीन की कमी पहला नंबर हो जाएगा, खनिज की पदार्थ की कमी हो जाएगा, उसके बाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को सभी लोग कमेंट में बताइएगा। और आप लोग 52 क्वेश्चन हम लोग आपको यानी कि सामने बताए हैं, तो आप लोग कितना क्वेश्चन का राइट आंसर जवाब दिए हैं सभी लोग एक बार कमेंट में लिखिएगा कि हमने इतना क्वेश्चन का राइट आंसर दिया। सभी लोग छाप दो एक बार कि सब लोग कितना कितना क्वेश्चन बनाए हैं। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दो, सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करो। और सभी बच्चे बताएंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, सभी लोग सभी बच्चे कहाँ कहाँ से नहीं कि जुड़े हैं, सभी लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, तब तो मैं जान पाऊंगा कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कमेंट करेंगे और कौन से बच्चे कितने कितने नंबर यानी कि बनाए हैं, कितना नंबर उनका सही आया है वो भी कमेंट में लिखेंगे। जो सही बना है वही लिखिएगा, गलत नहीं। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों के लिए बाय बाय, जय हिंद।